ओम शांति। जिम्मेदारियों में हल्के रहना, जिम्मेदारियों को एंजॉय करना, जिम्मेदारियों में सबको अपना साथी बना लेना और यहाँ तक कि भगवान को भी अपना साथी बना लेना, यही एक ज्ञान युक्त और शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। हम सभी को बाबा ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। हमारे अंदर किसी भी जिम्मेदारी को मिलने के बाद तुरंत भारी होने का संस्कार नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की शक्ति हमारे पास ही है, तभी तो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। चाहे आपने उस तरह के कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं, अनेक योग्यताएं मनुष्य के अंदर समाहित होती हैं। पहले कहाँ लोग डिग्री होल्डर हुआ करते थे, बड़े बड़े किले लोगों ने बनाए, कहाँ आर्किटेक्ट और इंजीनियर होते थे, ऐसे किले बनाए जिनको तोपे भी हिला नहीं पाती थी। तो बुद्धिमानी, टैलेंट्स, शक्तियाँ हमारे अंदर ही समाई रहती हैं। हम अगर भारी हो जाते हैं तो वो दब जाती हैं। हम अगर टेंशन में रहते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती। हम उन्हें कार्य करने दें, उनके लिए खुला मार्ग छोड़ें, अपने को सरल चित्त रखें। बाबा की एक बहुत सुंदर बात, अगर बाबा हमें जिम्मेदारी देता है तो हम उस जिम्मेदारी को बाबा पर अर्पित करके निभाएं, तो बाबा उस जिम्मेदारी को निभाने में बहुत हमारी मदद करता है। सोच लें, जिनको भगवान ही साथ दे रहा हो, जिनके आह्वान पर वो दौड़ा चला आता हो, जिनके मन के बोझ सारे हरने के लिए, मन को हल्का करने के लिए वो तत्पर रहता हो, उन्हें भारी होने की कोई जरूरत नहीं। तो सभी अपनी जिम्मेदारियों को एंजॉय करें। चाहे आप गृहिणी माता हैं, आपको घर को संभालना है, आपको ज्यादा बच्चे हैं उन्हें संभालना है, कोई कैसा है कोई कैसा है, चाहे आपके पास कोई डिपार्टमेंट है उसे आपको संभालना है, चाहे आपके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई उसे आपको संभालना है। याद रखेंगे, मनोस्थिति अगर नहीं बिगड़ेगी तो जिम्मेदारी सहज ही पूर्ण होती जाएंगी। हर व्यक्ति आपका सहयोगी बनेगा और घरों में तो आपकी स्थिति जितनी श्रेष्ठ रहेगी उतना ही गुड प्रभाव, गुड इफेक्ट सभी बच्चों पर और मेंबर्स पर होगा। परिवारों में तो यही होता है कि किसी न किसी का स्वभाव संस्कार मनुष्य को भारी किए रखता है। जिम्मेदार लोगों पर वो बोझ बन जाता है। किसी भी कर्म भोग के कारण ऐसी स्थिति आपके परिवार में पैदा भी हुई हो तो आपको बहुत ज्ञान युक्त और बहुत हल्के रहना चाहिए। हर एक की चिंता कहाँ तक आप करेंगे? यदि आप हर एक की चिंता करने लगे हैं तो आप अपनी चिंता करना भूल जाएंगे, और जिनकी चिंता आज आप कर रहे हैं वो आपको कभी साथ नहीं देंगे। आपको रोता हुआ छोड़ जाएंगे कि लो, तुम्हें भगवान भी मिला और तुमने कुछ नहीं पाया, तुम हमारी चिंताओं में ही लगे रहे। तो जिन्हें अपनी खुद की चिंता नहीं है, जिनके पास सद्विवेक नहीं है, उनकी हमें चिंता क्या करनी है? तो साक्षी भाव धारण करें, बाबा को अपना साथी बनाएं, बिल्कुल साथ लेकर चलें। तो आज सारा दिन ये बहुत सुंदर अभ्यास हम करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर अनेक योग्यताएं हैं, मुझे शक्ति प्राप्त है अपनी जिम्मेदारियों को सहज रूप से चलाने की। अपनी शक्तियों को पहचानते हुए सारा दिन विजन बनाएंगे। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। भगवान जिनके ऊपर छत्र छाया हो, न माया उनमें अपने बाण फेंक सकती, वो सब नष्ट होकर गिर जाएंगे। न और कोई बाधाएं और समस्याएं आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो सारा दिन सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहते हुए
आज का दिन व्यतीत करेंगे, बहुत हल्के रहेंगे, भारी होने की आदत नहीं। भारी स्वयं भारी होंगे तो जिम्मेदारी भी भारी हो जाएंगी, स्वयं हल्के रहेंगे तो जिम्मेदारियां भी हल्की हो जाएंगी, सहयोगी मिल जाएंगे, सब आपको कोऑपरेट करेंगे। ओम शांति।